हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द ओशियनिज होम आइसलैंड लाइफ सिम्युलेटर। सो गाइस, आप सभी को पता ही होगा कि लास्ट वाले वीडियो में हमने ये एक मॉडर्न हाउस बनाया था, अच्छा वाला। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो गाइस, आपको ऊपर एक नोटिफिकेशन मिलेगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन गाइस, आज की वीडियो में मुझे दो वीडियो में कमेंट मिला था स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन। हर्षित भाई ने कहा था कि सब्जियाँ सेल कैसे करें। सो गाइस, आज हम मैं बताने वाला हूँ कि सब्जियाँ कैसे सेल करते हैं। सब्जियां सेल करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट, रेजेड ब्रिक गार्डन बेड। सेकंड, एनी सीड जैसे कि ओनियन, कैरेट, कॉर्न, ब्रिंजल। चलते हैं फर्स्ट लोकेशन पर खरीदने के लिए, रेजेड सीड गार्डन बेड। ये रहा लोकेशन, चलते हैं। लोकेशन पर मैं आ चुका हूँ, चलते हैं शॉप के अंदर। और यहाँ से मैं काफ़ी सारे रेजेड सीड्स गार्डन बेड खरीदने वाला हूँ। वैसे यहाँ पे दो गार्डन बेड से, यहाँ पे आप कोई भी खरीद सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मुझे बक्सा मिल चुका, तो फटाफट से मैं आपसे ट्रक में रखवा देता हूँ। ट्रक में मैंने सारा सामान रखवा दिया, तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको हमारे नए हाउस पर। न्यू हाउस पर हम आ चुके हैं, तो मैं फटाफट से यहाँ पर पार्क लगा देता हूँ पीछे वाले एरिया में, और हमारे सामान को रखवा देता हूँ मैं यहाँ पर स्टोरेज रूम में। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है फर्नीचर पर, और फर्नीचर में जाने के बाद ये सारी सीड्स ग्रोविंग बेड आप जहाँ चाहो वहाँ पर लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी से। फटाफट से मैं लगवा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सारे सीड्स ग्रोविंग गार्डन बेड लगवा दिए हैं। अभी चलते हैं दो नंबर पर। यहाँ पे ग्रोविंग करने के लिए हमें चाहिए सीड्स। ये रहा सीड्स का लोकेशन, मैं मिलता हूँ आपको सीड्स के लोकेशन पर। सीड्स बाय करने के लिए मैं लोकेशन पर आ चुका, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सीड्स है वेजिटेबल्स को, तो मैंने यहाँ पे सारे सीड्स खरीद लिए हैं। मैं मिलता हूँ अभी आपको हमारे नए हाउस पर। सीड्स ग्रोविंग बेड के पास आने के बाद आपको यहाँ पे प्लांट सीड पर कर देना है, उसके बाद ये प्लांट होने स्टार्ट हो जाएंगे। सीड्स को प्लांट होने में काफ़ी टाइम लगता है, फटाफट से मैं यहाँ पर सारे प्लांट रखवा देता हूँ। सारे सीड्स को मैंने यहाँ पे प्लांटिंग कर दिए थे ग्रो होने के लिए। तो गाइस मैं अभी मिलता हूँ आपको सारे सीड्स को ग्रो होने के बाद। फाइनली हमारे सारे सीड्स यहाँ पे अच्छे से ग्रो हो चुके थे, तो फटाफट से सबको हार्वेस्ट कर लेते हैं। गार्डन बेड पर क्लिक करने के बाद आपको हार्वेस्ट पर क्लिक करना है और इससे कलेक्ट कर लेना है। फटाफट से मैं सब कुछ हार्वेस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद हम चलेंगे उसे सेल करने के लिए। इस तरह से हमें बताया था स्पॉट इन्फॉर्मेशन, यानी कि हर्षित भाई ने, सेल कैसे करें वेजिटेबल्स को। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे वेजिटेबल्स मिल चुके हैं, मैंने सबको कलेक्ट कर लिया, तो अभी चलते हैं उसे सेल करने के लिए। ये रहा वेजिटेबल सेल करने का लोकेशन। सो मैं मिलता हूँ आपको लोकेशन पर। फिलहाल मैं यहाँ पे स्टोर पर आ चुका हूँ, तो चलते हैं स्टोर के अंदर। स्टोर का नाम है पवन शॉप। स्टोर के अंदर जाने के बाद सामने बंदा खड़ा है, उसके ऊपर क्लिक कर, उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, बाय और सेल। यहाँ पे सेल में जाने के बाद आपको यहाँ पे वेजिटेबल को रख देना है, और आप यहाँ से सेल कर पाएंगे। यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा भी मिल जाता है आपको, और अगर आप बाय करना आप चाहते हो तो बाय भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे ये फूड खरीद के दिखाता हूँ, ये मैंने बाय किया है, ये मैंने मेडिकिट भी बाय कर ली। यहाँ पे आप बहुत चीज़ सेल कर सकते हो जो यहाँ पे अवेलेबल रहा गाइस। यहाँ पे इस दुकानदार का कुछ टाइमिंग है, तो टाइमिंग मैं यहाँ पे ऊपर लगा दूंगा। टाइमिंग में ही ये शॉप ओपन होती है और बाद में क्लोज हो जाती है। सो गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।